और अनूप जी के साथ तो मेरा करियर शुरू हुआ है, ये चीज़ आई थिंक अनूप जी को भी नहीं पता। हम लोग लंदन में थे और मैं सर, मेरी एक आदत, मेरा एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं दिन को दिन ही कहता हूँ और रात को रात ही कहता हूँ। वो अगर कोई भी हो, कोई भी हो मतलब कोई भी हो, तो लंदन टूर चल रहा था तब अनूप जी को हैंडल करते थे, उनके मैनेजर थे और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सरदार जी हैं, उनका नाम है कुक्कू सिंह, कुक्कू सिंह, कुक्कू। तो एक कॉन्सर्ट में, मुझे याद नहीं कहाँ था वो, एक कॉन्सर्ट में चमनलाल चमन जी, वो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने गाना लिखा है सोन दा महीना, सोन दा महीना यारो सोन दा महीना, वो उन्होंने लिखा है। वो एक कॉन्सर्ट के जो ऑर्गेनाइजर थे, वो उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था अनूप जी का, अनूप भाई साहब का। तो किसी रीजन से अनूप जी कुछ लेट हो गए थे वहाँ कॉन्सर्ट में पहुँचने से, और हम लोग स्टेज पे ही थे। अब अनूप जी नहीं है तो हम लोग स्टेज पे बैठ के कोई मतलब नहीं ना, हमारा स्टेज पे बैठना कोई मतलब नहीं। तो हम लोग स्टेज से अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ट्यून व्यून करके, बैलेंस करके नीचे आ गए। तो वो माइक पे कह रहे हैं, कौन, चमनलाल चमन जी, कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ टाइम की कदर करना चाहिए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ डिसिप्लिन होता है, ये लंदन है, ये है, ये वो है, आप लोग आते गए हो लेकिन आपको यहाँ के वो मैनर्स और मैनरिज्म और ये नहीं पता कि आपको टाइम की कदर नहीं है, ये नहीं है। अब आप जो है वो किसको सुना रहे हो, मुझे सुना रहे हो या अनूप जी तो है नहीं वहां पर, तो किसको सुना रहे हो आप, म्यूजिशियंस को ही सुना रहे हो ना। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अखर गई, मैं उनके पास गया, तब तक अनूप जी आ गए। अनूप जी आते के साथ ही वो वेलकम वेलकम टू अनूप जलोटा जी, ये वो सब कुछ। तो वो शो मैंने बजाया क्योंकि वो कमिटमेंट था मेरा। शो के बाद मैंने उनको कहा, चमनलाल जी को, मैंने, आप भी तो हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन नहीं हो, आप भी इंडियन हो ना, आप भी पंजाबी हो ना, इंडियन ही हो ना, आपको ये कहते हुए ठीक लगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि ये इंडिया से तो आ गए लेकिन इनको यहाँ के कायदे कानून और टाइम की वैल्यू नहीं, ये नहीं है। मैंने बोला, आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि ऐसे इंसान के साथ कोसों दूर रहना चाहिए। आगे भी उनके कुछ थे कॉन्सर्ट्स थे, मैंने कुक्कू जी को बोला कि भैया अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं आज ही रात को इंडिया बॉम्बे वापस जाऊंगा। उन्होंने समझाया मुझे, अनूप जी को आज तक की बात नहीं पता, ट्रस्ट मी, कुक्कू जी को पता है। टिकट पासपोर्ट हमेशा मैं मेरे पास रखता था, हमेशा, आज भी रखता हूँ, कब मेरा मूड चेंज हो जाए मेरे को ही पता था। तो मैं, हमारे कॉमन फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो बड़े हैं लेकिन एक दोस्तों की तरह थे, दीपक खजांची जी, तो उनकी उनकी मिसेज, वो ब्रिटिश एयरवेज में थी उस समय, तो उनको मैं मामा बोलता था प्यार से, मैं, मामा मेरे को जाना है, मेरा टिकट कंफर्म करा दो। बोला ठीक है, हो जाएगा। उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल कराया, मैं टैक्सी पकड़ी, कपड़े भी नहीं चेंज किए, टैक्सी पकड़ी, हीथरो एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट में बैठा, आ गया। ऐसे मैंने जगजीत अंकल के साथ भी किया है, बट वो मेरी गलतियां हैं लाइफ की, कि उनके कारण मैं इनको क्यों, इनसे क्यों चीज करूं। लेकिन ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक था उस समय, ऐसा लगता मुझे।